करते हैं आज का डे स्टार्ट। तो आज क्या करना है स्लाइड में? ये क्या करना है आज आपने? पेंटिंग करनी है। तो करते हैं जी आपके साथ आज की भी डे की रूटीन शेयर विद बच्चों के विद किड्स। इधर मैं करने लगी हूँ आज फ्रोजन फिश को मैरिनेट। तो मैरिनेट करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका पैकेट जो मैं यूज करने लगी हूँ। ये बेसिकली है जी लिटल की। यूजली तो मैं टेस्को की करती हूँ, टेस्को की भी नाइस होती है। तो मैंने इसका काफ़ी नेम सुना था लिटल का, तो मैंने सोचा चले ये वाली जो है ना ट्राई करते हैं आज। तो आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड है तो ये देख ले पैकेट। तो मैंने बेसिकली इसको मॉर्निंग में निकाला था, रात को निकालना मैं भूल गई थी। तो मॉर्निंग में निकाल के मैंने इसको रखा पानी में। मैंने एक फिश को बाहर नहीं निकाला था पैकेट से, मैंने ऐसे ही ये पैकेट समेत ही इसको रखा था पानी में। और 1 आवर में ये देखिए ओपन हो भी गई है। अगर पानी में इसको निकाल के पैकेट से मैं पानी में रखती तो सारा पानी जो था ना इसके अंदर चला जाना था। तो उसके साथ फिर सही जो मसाला है ना और सही फिश भी नहीं बननी थी, टूट जानी थी। तो मैंने कहा चले अपना टिप आपको बता देते हैं। यूजली आप ये भी कर सकते हैं नाइट ओवर निकाल के पैकेट को, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रीज होती है। तो आप नाइट ओवर निकाल के पैकेट भी रख ले। अगर आपने जल्दी जल्दी करनी है, एमरजेंसी में करनी है, तो बस फुल पैकेट को आप करें पानी में डिप, तो 1 आवर के बाद खुद ही ऐसे हो जाएगी। पानी में इसको डालने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ आई कि पहले भी गई? तो करते हैं जी अपनी मैरिनेशन स्टार्ट। बताती हूँ मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहेंगी हमें इसके लिए। तो लगाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो जो चीज़ें हमें चाहिए। ज़रा चाती मारे इधर, ये देख ले। योगर्ट भी ऐड करेंगे, ड्राई मेथी भी एंड ऑयल भी। तो अब मैं जैसे जैसे लगाऊंगी आपको मैं वो दिखाती हूँ। मैंने सोचा लगाने से पहले ना ज़रा थोड़ा चाती मरवा लिए मेरे कि चीज़ें चाहिए जी। इनको करते हैं जरा थोड़ा सा साइड पे, बड़ा मोहा भाई थोड़ी जगह दबाना। तो पहले करते हैं जी ऐड योगर्ट। योगर्ट आपने जस्ट 2 या 3 स्पून ही ऐड करना है ना काफी। ऐड करते हैं सोल्ट। कैमरा थोड़ा ना आगे लेके आती हूँ इसलिए कि आपको जो है ना सही नजर आए। सोल्ट हम करेंगे जी 1 एंड तंदूरी मसाला 1 एंड चिली एंड गार्लिक फ्लेक्स थोड़ी सी कटे। ऐड करते हैं ये काफी इतना ही। देसी तरीके से डालते हैं। थोड़ा सा जैसे इनफ ब्लैक पेपर एंड ऑयल। वैसे कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल अगर आप यूज करते हैं वो ऐड करें। लेमन जूस गरम मसाला
इसको पहले करते हैं मिक्स अच्छी तरह। तंदूरी मसाला थोड़ा और ऐड करते हैं। एंड थोड़ा सा हम ऐड करेंगे जी फूड कलर रेड। मैं फिश के साथ करूंगी आज कुक पोटैटो भी, तो उसको भी जब लगाऊंगी मसाला वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हम दोनों चीजें करेंगे साथ ही, कुक और अनियन भी ओवन में। अब जो है ना मैं हाथ से लगाऊंगी इसको, देखिए हाथ से जो है ना सही लगेगा। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो वो ग्लव्स पहन ले। ये देखिए ऐसे बच्चों का जो है वो सेपरेट लगाएंगे। अरे सूखी मेथी तो मैंने डाली नहीं, भूल गई जी वेलो में। अब जब हम करेंगे ना इसको ओवन में रखेंगे, फिर ऊपर थोड़ी सी ना तोड़ लेंगे हम। तो ये हो गया जी हमारा मसाला फिश का। आप चाहें तो ये ग्रिल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये ओवन में भी कुक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको बटर में फ्राई पैन में डाल के भी बना सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन है, तो अब आप ये आपकी मर्जी है आप कैसा खाना चाहते हैं। चलिए इसको हम रखेंगे जी 3-4 आवर तक, फिर हम रात को करेंगे इसको। इधर मैं लगाने लगी हूँ अपने प्यारे से बच्चों के लिए भी विदाउट चिली। मैं बच्चों का इसलिए भी साथ शेयर करती हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं जो चिली नहीं खाते, साथ उनकी भी आपको रेसिपी दे दूं, तो आप अपने बच्चों के लिए भी ट्राई करें, ये शायद उनको भी पसंद आए। सेम ही चीजें डालूंगी, जस्ट मैं जो है ना चिली लेस डालूंगी। तंदूरी मसाला, सॉल्ट, इससे जो है ना खुशबू और टेस्ट अच्छा आता है। एंड ऐड करेंगे लेमन जूस एंड गरम मसाला, ज़्यादा मैं इसमें और नहीं डालूंगी बिकॉज बच्चे छोटे हैं, कोई इतने मसाले नहीं देने। गरम मसाला थोड़ा सा और ऑयल एंड हल्का सा लेमन जूस, काफ़ी ऑयल, पता नहीं मैंने मैं लेमन जूस डाला कि नहीं, याद नहीं मुझे, रहने देती हूँ। हल्की सी ब्लैक पेपर, काफ़ी इतनी, और इसको करते हैं जी मिक्स। तंदूरी मसाला थोड़ा और चाहिए। अब
इसमें ऐड करते हैं जी फिश। इसको भी हम 3 घंटे तक रखेंगे, इसको हम करेंगे कुक। बच्चों की शायद मैं बटर में बनाऊं, देखती हूँ, या शायद ओवन में बनाऊं। अगर मैं बटर में बनाऊंगी फ्राई पैन में तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी। तो अगर मैंने ओवन में बनाई तो वो भी आप, ओवन में तो जस्ट ऑयल के अंदर इसको रखना है। इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा हम डालेंगे ये ऐड करते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट, और थोड़ा सा ऑयल। यस यस, वन सेकेंड, निकाल को नींद आई है बेचारे को। यस यस बेटा, ब्लैक पेपर, लिटिल बिट लेमन जूस, और इसको करते हैं मिक्स। ओके केयरफुली, मैं ये देखे पहले नीचे डाल रही हूँ पोटैटो, और इसके ऊपर मैं रखूंगी जी फिश। फिर इसके ऊपर हम रखते हैं ऑयल, इसको हम करेंगे 2 घंटे तक, बिल्कुल लो पे हम करेंगे इसको कुक, इसलिए कि लो पे करेंगे तो पोटैटो भी सही गलेंगे और ये भी होगी। तो बच्चों की आज मैं नहीं करूंगी ओवन में, उनका जो है, उनकी जो है वो जी, उनकी फिश जो है मैं बटर में करूंगी फ्राई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यस बेटा, 1 सेकेंड, इसको रखते हैं जी ओवन में। चेक करें आप, थोड़ा पास से दिखाती हूँ, इसको मैं चेक करती हूँ पोटैटो को फोक से, साफ हुए हैं कि नहीं। ये देखें कितने आराम से टूट रहे हैं, ये देखें तो फिश भी देखें। तो मैं कहती हूँ जो आ रही है खुशबू कुछ ना पूछें। ग्रिल पैन है, इसमें मैं ऐड करने लगी बटर, थोड़ा मेल्ट होने देते हैं पहले। डालती हैं फिश, आपको दिखाती हैं फाइनली लुक फिश की। ये देखिए हो गई है कुक, तो देखिए बटर भी हो गया सेपरेट। तो 1-2 मिनट इसको करते हैं और कुक, तो फिर देते हैं जी बच्चों को। तो आज की वीडियो को करते हैं इधर ही एंड, टुमारो मिलते हैं दोबारा एक प्यारी सी नई वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।